वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू मेक वेजिटेबल राइस विद चिकन। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स भाई। देखे मैंने इसके लिए कैरेट, लेमन, एप्पल कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, फ्रेश ओनियन, टमाटो, और ये देखे वेजिटेबल को मैंने इसके अंदर रख दिया और साथ में मैंने पोटैटोज रखे हैं। अब इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह पोटैटो के हमने कटिंग एक जैसी रखनी है। इसके हमने इस तरह स्लाइस काट के फिर हमने इसके छोटे पीस कर लेने हैं। इस तरह छोटे आलू के पीस काट लेंगे और ये राइस बहुत मज़े के बनेंगे। यूनिक रेसिपी है। इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं, साथ में हम ये चिकन डाल रहे हैं, तो ये रेसिपी आप ट्राई करें। अक्सर घरों में चावल आप लोग खाते भी हैं सब्ज़ी वाले, तो ये वाली रेसिपी को भी आप आजमाएं। जो भी चीज़ें महंगा है, ये मैं कच्चा प्याज जो है इसकी कटिंग कर रहा हूँ। कच्चे प्याज जो है इसके बेशमार कमाई भी है। इसके साथ हम इसके साथ शिमला मिर्च डालेंगे। ये रेसिपी जो है यूनिक है। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। वेजिटेबल ज़्यादा होंगे और राइस जो है वो कम होंगे, तो फिर मज़ा भी खाने का ज़्यादा आएगा। अब मैंने कैप्सिकम ले लिया और इसकी भी कटिंग हमने सिर्फ वैसे ही करनी है। हम इनके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने इनकी साइज़ के। एक जैसी कटिंग होती है तो फिर देखने में आपकी डिश भी प्यारी लगती है। तो आप दोस्तों, आपने इसको ये करना है कि अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये एप्पल कैबेज को मैंने ऊपर से जो है ये देखे मैं इसको खा देता हूँ। अब ये मैंने हाफ एप्पल कैबेज ले लिया। इसकी कटिंग में पहले स्लाइस काट लूँ, फिर हमने इसको स्लाइस काट लेना। ये देखो कितनी आसानी से नाइफ चल रही है, बहुत ईजी कट जाती है। और ये बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जैसा सूप में इस्तेमाल करती है, इतना मज़े का हॉट एंड शुगर सूप बनता है। इसके अलावा ये एप्पल कैबेज में आज आपको इसका एक सैलड भी बना के दिखाता हूँ। एप्पल कैबेज सैलड जो है आप लोग रेस्टोरेंट में खाते तो हैं। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग जो है वही से वैसे ही करने लग गया और कितनी आसानी से जल्दी कटिंग इसकी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप कटिंग कर लेना। फिर आपकी कटिंग एक जैसी कटिंग हो तो फिर आपकी प्यारी लगेगी। अब मैं ले लेता हूँ गोभी। तो गोभी को हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से कि इसके फूल फूल नज़र आए ऐसे। तो गोभी जो है ये मुख्तलिफ भी होती है। अब ये मेरे पास बड़ा फूल है, तो अक्सर आप लोग घरों में इसकी हांडी भी बनाते हैं सब्ज़ी, और दूसरा राइस में ये अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं साथ पोटैटो और गोभी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें वेजिटेबल ज़्यादा ले ली हैं, जैसे पीस ले लिए, मटर वगैरह। ये जब सारी वेजिटेबल्स हम इसके अंदर डालेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। अब मैंने कैरेट को ये देखा, मैं कैरेट के भी स्लाइस काट रहा हूँ। इसमें दो कैरेट हम डाल देंगे। हर चीज़ को आपने एक मकदार से लेना। तो इससे ये होगा कि आपकी जो डिश है ये इसकी क्वालिटी हाई रहेगी, बहुत मज़े की और परफेक्ट रहेगी। तो मुझे उम्मीद है। ये देखें, ये मैंने जो मटर रखे हुए हैं बहुत प्यारे, और मैंने दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है, ये मैंने रखा हुआ कढ़ाई मसाला, ये वाइट पेपर है, ये गरम मसाला है, और ये सुरख मिर्च है, रेड चिल्ली। ये दड़ा मिर्च जो साबुत मिर्च है उसको कूटा हुआ होता है। तो आपने ये, अब ये देखें सारी वेजिटेबल कट गई है और हमने कढ़ाई से डाल दिया हमने ऑयल। और ऑयल में मैंने ये देखते हैं, मैंने चिकन जो भी तीन पीस रखे हैं और दूसरा मैंने कढ़ाई के अंदर चिकन दो डाल दिया है। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसको हाफ बर्न किया हुआ है ताकि वेजिटेबल में ज़रा ये आसानी से बन गए और इस तरह टाइम की बचत भी हो गई। अब हम थोड़ी सी जो है इसकी बनाई करेंगे इस तरह। तो चिकन को साथ ही जो हमने इसमें वेजिटेबल जो है वो डालना है।
जब हम इसमें वेजिटेबल डाल देंगे तो फिर इसकी जो है ना बनाई करेंगे। पहले तो हम चिकन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, अब साथ हमने इसमें मटर डाल दिया। मटर डाल के इसको थोड़ा सा पकाते हैं चिकन के साथ ही। जैसे देखने में चिकन और ये मटर पीस कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे। अब हम इसमें मिक्स वेजिटेबल डाल देते हैं। इस टाइम पे जब हमने मिक्स वेजिटेबल डाली, आप लोग देखेंगे ये हमारी जो कढ़ाई है ये भर गई है। इसकी क्या वजह है कि ये जो सब्ज़ी है इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, तो हमें इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पानी के अंदर सब्ज़ी जो है ये बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो हम इसमें पानी जब राइस हमने इसमें डालनी है, अब हमने इसमें हमारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए, मसाले डाल दिए। तो अब हम इसको हल्का हल्का हिलाते हैं, बनाई करते हैं। तो जब आप सारी वेजिटेबल को एक साथ मिलाते हैं और फिर इन्हीं वेजिटेबल से मैं आपको डिफरेंट जो रेस्टोरेंट स्टाइल है डिशेज का वो बनाकर भी करता हूँ। अब ये देखिए कितनी कमाल की बात है, ये राइस जो है ये कितनी क्वालिटी में इनकी डिशें बनती हैं। तो राइस की कितनी अच्छी अच्छी इनकी वैरायटीज है। तो आप लोगों ने यदि चावल लेना है तो राइस आपने लेना है सुपर कर्नल का पुराना चावल। देखो अब मैंने इसमें हाफ बोल पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेजिटेबल के अंदर ऑलरेडी पानी। अब हम इसको बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं 5 मिनट के लिए। इसमें ये होगा कि हमारी सब्ज़ी जो है ये इसमें बिल्कुल सोख हो जाएगी। ये देखो मैंने 5 मिनट खाया, सोख हो गई है। और अब मैंने इसमें डाल दिया ग्रीन चिली। तो देखा सब्ज़ी अब कढ़ाई से कैसे नीचे को हो गई है, इसका मतलब ये हुआ है कि सब्ज़ी का जो अपना पानी है उसने वो पानी रिलीज़ कर दिया। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ये कमाल, इस तरह राइस के पानी से आपने ये चम्मच से जब आप उठाएँगे तो फिर इसमें पानी नहीं जाएगा। बाद और तो ये करती हैं कि वो हाथ से पानी निकालती हैं, वो तरीका भी ठीक है, इसमें इजी है। इसमें हमने चम्मच लगाया तो पानी नीचे गिना गया, पानी से आपने इसमें चावल वो डाल दिया है। और ये चावल मैंने लिए थे एक कटोरी लेकर इसको कम से कम आप जो है ना 15 से 20 मिनट पहले इनको पानी में आपने भिगोना है। और चावलों को जो रेस्टोरेंट में वाश करते हैं उसमें 3 पानी निकालना ज़रूरी होते हैं क्योंकि पानी के अंदर कचरा होता है जो, तो वो नीचे बैठ जाता है। इसके लिए करना क्या है कि 3 पानी तो वो निकाल दें, हम क्या करते हैं हम कम से कम भी हम 7 से 8 पानी निकालते हैं इसमें। उससे ये होता है कि चावल जो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। जिन लोगों को पथरी वगैरह की शिकायत है वो चावल ना खाएं, क्योंकि इस चावल में ये पथरी जो है ये बहुत ज़्यादा मकदार में इससे बनती है, तो इसको ना खाएं। जब परोदिन मैदे में ज़्यादा बढ़ जाती है तो अब हम इसको ना बंद कर देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। हम 2 मिनट बाद इसको खाया और पानी भी खुश हो गया। तो उसमें यह था जब आपके गुर्दों में प्रोटीन जब बनने लग जाती है तो फिर उसमें आप ये सगज पत्ते वाली सब्ज़ी बिल्कुल यूज ना करें, ना आप आलू यूज़ करें और ना ही आप राइस करें और ना ही गोभी करें। ये पौधे चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पत्ती करती हैं उन लोगों को जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम है पानी कम पीने की वजह। अगर आप लोग पानी ज़्यादा पीते हैं और आपका गुर्दे बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर कोई मसला नहीं। अब ये देखें राइस माशाल्लाह कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें कढ़ाई में जितनी हमने सब्ज़ी डाली थी ये तो उतने लग रही है। वजह क्या हुई है कि जो सब्ज़ी है उसका अपना पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और चावल भी ये देखें माशाल्लाह कितने ख़ूबसूरत लग रहे हैं और इसमें वेजिटेबल की मकदार कितनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। तो जितनी वेजिटेबल नज़र आ रही है और साथ उतनी ही आपको राइस नज़र आ रही है, क्या बात है। इसकी वजह ये है, अब हम इसको निकाल लेते हैं इस डिश के अंदर। वजह इसकी यही है कि हमने सब्ज़ी को ज़्यादा डाला था और चावलों को बहुत कम। चावल ये होता है ये 2 गुना बढ़ जाते हैं, अगर 1 कटोरी थी जो उससे 2 गुना बढ़ गए तो ये 3 गुना बन गए हैं। तो उतनी हमारी फिर वेजिटेबल थी 3 गुना। तो अब ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत प्यारे लग रहे हैं। इसके अंदर चिकन भी यार नज़र आ रहा है
तो अब आप लोग खाएंगे तो याद करेंगे कि वाह क्या मज़े का राइस बनी है। और इसके अंदर जो रेसिपी है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी साथ साथ दे देता हूँ, और मेरी वीडियो जो है इसके ऊपर भी राइटिंग में आ जाती है, सीसी की सहूलत मौजूद है लैंग्वेज की। तो डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप लोग आसानी से वहाँ से आप स्क्रीन शॉट लेकर उसको आसानी से देकर वैसे बना सकते हैं, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और फिर मैं इसी में फिर आपको सिर्फ वेजिटेबल राइस बनाऊंगा। थैंक्स फॉर